ये देखिए, ये एक चरखी और इसके अंदर ये देखिए पूरे मंजे भरे हुए हैं। सो कैसे मैंने रखा है इतना सारा, ये इसको थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया था। ये देखिए सारे पाउडर लगे हुए हैं, पौनी पतंग है, आधी भी होगी, कट गई नहीं, कट भी गई, किधर जा रही है पता नहीं, लेकिन इधर ही की तरफ आ रही किसी की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पैशन फॉर काइट फ्लाइंग। मैं घर पहुंच गया हूं और ये देखिए दीवान है, मंजा इसके अंदर रखा है, देखते हैं कि कहां रखा है, कैसी हालत में है। ये देखिए इसको कैसे रखा था मैंने, ये मेरी बिटिया के खिलौने, ये सब इसके पहरेदार हैं मंजे के मेरे। और ये देखिए, ये एक चरखी और इसके अंदर ये देखिए पूरे मंजे भरे हुए हैं। सो कैसे मैंने रखा है ये सारे मंजे। और एक ये देखिए इसको कितने अच्छे से मैंने पैक करके रखा था पिछले मकर संक्रांति के बाद, और फिर इस मकर संक्रांति में वापस आ गया हूँ बनारस में सबको उड़ाने के लिए। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा और भी है, एक नया मंजा आया है उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आपको खोल करके दिखाते हैं। पूरा बैग भरा हुआ है चरखी से, अब इसको भी निकाल लिए, दो बैग चरखी का हो गया। ऊपर उधर दिखाओ, ऊपर ऊपर की तरफ जहाँ पतंग रखी है, पतंग भी निकाल लेते हैं। ये तो बॉल है, इसको पहले नीचे करते हैं, ऊपर पतंग रखी हुई है। ये देखिए पतंग का बैग तो नहीं है मेरे पास, ये ऐसे रखिए, कितनी धूल लग गई है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा कि पूरी पतंग भरी हुई है। चलते हैं इसको धूप में दिखाते हैं, फिर आपको पतंग और मंझा दोनों दिखाएंगे कैसा है। ये देखिए इसको पैक करके पिछली संक्रांति के बाद, देखिए इसको कितने अच्छे से पैक करके रखा हुआ है पूरा, लगभग 14 जनवरी के बाद का ये सब पैक है। इसको फिर से खोलते हैं, देखते हैं किस तरीके से है कि नहीं है सारा अच्छे से। पॉज कर दो, ये देखिए ये थी प्लास्टिक कपड़े वाली, इसके अंदर ये पैक है। फिर इसको भी ऐसे ही खोलते हैं, देखिए प्लास्टिक हटा दिए, ये पेपर है, पेपर को भी मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पैक कर दिया था। ये निकालते हैं, ये देखिए ये है नौतार पांडा, देख रहे हैं कब्बल खुला हुआ है पूरा मंजा, बहुत ही बेहतरीन मंजा है ये। ये सबका अलग से मैं पूरा रिव्यू बनाऊंगा, इन सब उसे पतंग लड़ा के दिखाऊंगा। चाइना मंजा को तो एकदम गाजर मूली की तरह काटता है। एक ये है, फिर ये भी दिखाते हैं, ये भी पांडा है नौतार। ये देखिए वर्धमान का पांडा नौतार है ये, और ये मेकर फैज़ शानू। ये देखिए कितना बढ़िया बन जाए, दोनों दोनों के दोनों, इसमें भी और वो दोनों। अब उसकी तो बल खुली हुई तो दिख रही एकदम साफ, इसके भी है लेकिन इसके ज़्यादा बल खुले हुए हैं, इसके भी उस तरह से ही हैं थोड़े खुले हैं, लेकिन दोनों ही बहुत मस्त हैं। अभी आपको और दिखाते हैं, ये दोनों मंजे तो हो गए, इसको धूप में रख देते हैं और आपको और खोल करके दिखाते हैं कि कौन कौन से मेरे पास मंजे हैं। एक बार इसको भी ये देखिए कैसे पैक किया है, ठीक है। इसके अंदर जो मुझे याद है, हाँ ये स्पेशल मंजा है, इसको पहले ये खोल करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब इसको जा करके अनरैप करके आए प्लास्टिक इसकी, बहुत टाइम लगा करके रैप किया था पिछले साल जब इसको यहाँ से लौटते वक्त। अब
इसको अनरैप करते हैं। बताया था जैसे कि ये स्पेशल मांझा है, ये देखिए ये कौन सा मांझा है बताते हैं। ये देखिए ये है बरेली लॉयन, और कौन सा मांझा है, ये है पांडा बारातार। ये देखिए लिखा हुआ है उन्होंने बारातार पांडा मांझा है बरेली लॉयन का। और इसमें दो रिल से ज़्यादा मैंने ख़त्म कर दी, ये 6 रिल की चरखी है। यूजली इतनी बड़ी चरखी में पूरे 1, 2, 3 का अगर आप लेंगे तो वो 12 रिल पूरी आ जाती है, लेकिन ये भी 6 रिल की है और ये भी 6 रिल की है। ये सब 6 रिल की हैं, 9 तार पांडा की हैं। और बिलीव नहीं करिएगा, जब नया ख़रीदा था ये पूरे भरे हुए थे, तो अभी भी आप देख सकते हैं इस पर कितना से कम जगह, इस पर भी पूरी पूरी भरी हुई थी। इसमें ख़त्म किया, फिर इसमें से भी ये 2 रिल, 1 या 2 रिल पता नहीं, याद भी नहीं है, 2 रिल ख़त्म हुई है शायद, इसमें से भी 2 रिल या उससे ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। और ये जब बड़ी पतंग, पौने से भी बड़ी पतंग या पौने साइज की, जिसकी जो कमान है वो बहुत टाइट हो, हवा अच्छी चल रही हो, सिर्फ मंजे से उड़ा करके सिर्फ आपको टच करना है। ये डोंट बिलीव कि कैसे कटता है चाइना मंजा, इससे मज़ा आ जाता है, इससे मेरे हाथ बहुत बार कटे, तो इससे ध्यान से उड़ाइए। ये सबका अलग अलग रिव्यू बनाऊँगा, टाइम मिला सबको बनाऊँगा और सबको काट के दिखाऊँगा चाइना मंजा। बनारस में जहाँ मैं हूँ, अगल बगल मेरे पूरे गांव में सब चाइना मंजा उड़ाते हैं, मना करने के बाद भी। मैंने पड़ोसियों को तो बोला है तो वो तो मान गए, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, चाइना मंजा उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी नहीं छोड़ा, देखते हैं। ये था, ये देखिए अब ये बचा, ये आई बिलीव जो मुझे याद है ये 1, 2, 3 की है, 1, 2, 3 की है, चांद मियाँ की है, हाँ यस चांद मियाँ की, खोल के दिखाता हूँ। और कुछ ये दोनों जिससे मैं उड़ा रहा था, इसको ऐसे ही देखिए रैप कर दिया, इसको बाद में खोलूँगा, अभी टाइम नहीं है अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। ये सद्दी ख़त्म हो चुकी है, वो विक्टर की जो 6 नंबर की जो सद्दी थी उसको मैं अपने साथ लेते आया हूँ, और पूरा मंझा ही लेकर के आया, सिर्फ वही नहीं पूरा मंझा लेकर के आया, जो बरेली लायन और निंजा जो ख़रीदा था। अब यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ आप लोग को दिखाऊँगा लड़ा करके कैसी लड़ती है। चलिए इस बस को खोलते हैं, फिर इसको यहीं पे पॉज करेंगे, फिर आपको पतंगे दिखाएंगे। 1 मिनट, ये देखिए ये अनरैप हो गया, अच्छे से पैक किया था क्योंकि जरा भी सीलन लगेगी तो ये ख़राब हो जाएगी। ओहो इसके अंदर भी रखा हुआ है, मुझे लगा कि वो सिर्फ एक ही रैपर था, कुछ ज़्यादा ही मैंने सुरक्षित रखा, लेकिन अच्छी बात है सारे मंजे ज़रा भी नम नहीं है, सीलन कुछ भी नहीं है। और ये देखिए जैसा मुझे याद था, देखिए चांद मियाँ का 3 रिल की चरखी थी, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी लखनऊ से, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मंझा क्या लड़ता है भाई, क्या लड़ता है। इसमें अभी शीशे आपको पता नहीं वीडियो में साफ आ रहे हैं कि नहीं, इसकी धार बहुत ज़्यादा है, एकदम बारीक इसकी सुताई है, एकदम बारीक मंझा, इसको टच करने पे ना ओहो बहुत गजब की धार है इसकी। बस ये है कि अगर इससे चाइना मंझा काटना है तो एक ट्रिक है, वो ये है कि आपको अपनी पतंग लंबी करनी पड़ेगी, 100-150 मीटर वाली की पतंग नहीं, उसमें इतना कारगर नहीं है, 400 मीटर तक उड़ाइए पतंग, थोड़ी बड़ी उड़ाइए, कम से कम अद्धी, और आप यकीन नहीं करेंगे आपको खींचना है, खींच के लगाइए लड़ाइए, या फिर ढील के, जो कि फंसा के कहते हैं हमारे तरफ बनारस में, ढील के बोलते हैं, तो फंसा के लड़ाइए, दोनों में बहुत ही बेहतरीन है। बस एक शर्त इतनी है, आपकी पतंग 50 मीटर आगे होनी चाहिए, बस एक एक पतंग से मैंने 10-10 पतंग काटी है इससे, लेकिन छत पे ऐसा हर बार कर पाना यहाँ वो भी बनारस में बहुत मुश्किल है, उतनी दूर लोग पतंग आपकी उड़ने नहीं देते, तो इसलिए रह गया ये 3 रिल का ही है, लेकिन ये फिर भी बच गई। क्यों बच गई, सिर्फ इस वजह से मौका नहीं मिलता, इसको बहुत कम उड़ाने का मौका मिलता है, जब दूर पतंग कहीं उड़ रही होती है तो ही इसको निकालता हूँ लड़ाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन मांझा है ये। तो ये थी मेन मांझे की, ये जो मेरी रखी हुई थी पिछले साल की, ये सारे मांझे, और मैं बरेली लॉयन और निंजा जो 3rd degree टॉर्चर है वो भी ले आया हूँ अपने, वहाँ से यहीं पर रख दूँगा, वहाँ तो उड़ती नहीं है तो बाकी ये दोनों जो चरखी मैं उड़ा रहा था इसमें भी मांझे रखे हों, लगे होंगे ढेर सारे, तो ये बाद में अनरैप करूँगा। तो ये थे मांझा, इसको धूप में छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक,
पतंग दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, पतंग का बैग मेरे पास नहीं है यहाँ पे, फिर से मंगाऊंगा यहाँ के लिए, ऑर्डर करूँगा, देखता हूँ कितने दिन में आता है। तो इसको मैंने क्या किया था, ये प्लास्टिक थी पुरानी, हम लोग यूजली ऐसे प्लास्टिक वगैरह को फेंकते नहीं है, रीयूज़ कर लेते हैं, किसी न किसी काम आ ही जाती है, तो ये मेरे काम आ गई। ये देखिए, फिर इसके अंदर ये कपड़े की शीट है, गिर गई। ये देखिए, इसके अंदर ये कपड़े की शीट है, इसको मैंने टेप मार करके रखाया हुआ है। देखते हैं पतंग कैसी हालत में है। आहा, पतंग तो सही दिख रही है सारी, खोलता हूँ पूरी। इस पे मैंने गमक्सीन पाउडर लगा के रखा था, देखते हैं कि ये बची है कि नहीं। ये सारा जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये सारी ये जो वाइट वाइट दिख रही है, ये सब गमक्सीन पाउडर है। फिर से चरखी, सारे वाइट वाइट जो दिख रहे हैं, सॉरी बार बार, हमें जितने भी ये वाइट दिख रहे हैं सारे पाउडर हैं, पतंग ख़राब नहीं हुई है, एक भी पतंग में फंगस या कीड़े नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पाउडर लगा करके रखा था इतना सारा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया था। ये देखिए सारे पाउडर लगे हुए हैं, पौनी पतंग है, आधी भी होगी नहीं, इसमें से पौनी पतंग है, पाउडर कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, इसको अलग करते हैं, बाद में आपको अच्छे से दिखाऊंगा कौन कौन सी पतंग है, अभी तो सिर्फ इसको रैप करके धूप दिखाना ज़रूरी है एक बार लड़ाने के पहले। ये देखिए ये वाली भी, खुल जा, ऊपर से दिख रही है, मोर वाली है, डिजाइनर पतंग है, बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल इसको अनरैप करके धूप दिखा देते हैं किधर से है। पाउडर की स्मेल आ रही है। ये देखिए ऐसे पतंगे, ये मेरी बिटिया की, इसके भी पतंगे मैंने इसके साथ रखी थी, सब में पाउडर लगा के रखा है, होपफुली सब बच गई है, किसी में कीड़े तो नहीं दिख रहे और ना ही फंगस लगी हुई दिख रही है। ठीक है, सब पतंग, कौन कौन सी पतंग है, कौन से साइज की है, कहाँ की बनी हुई है, अरे वाह, सक्से जाने की पतंग बनाते हैं, फरुखाबाद की है, ओके। ये रामपुर की है, बाद में दिखाऊंगा इसको पूरी पतंग, अभी बहुत पतंग थी, ये सारी पतंग रख देते हैं। तो ये था मेरा मांझा और पतंग का कलेक्शन जो मैंने बनारस में अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, बस इसकी ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अब इन सब मंचों की रिव्यू करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, नई पतंग लेकर के आएंगे वो दिखाएंगे, और बरेली लॉयन और निंजा थर्ड डिग्री टॉर्चर जो रखा था उसको भी, वो देखिए पतंग लड़ रही है, पता नहीं जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा कैमरा, ये देखिए पतंग लड़ रही है, कट गई, कट भी गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय काइट फ्लाइंग एंड डोंट यूज चाइनीज और प्लास्टिक मांझा, सपोर्ट्स आवर इंडियन मांझा ओनली, बी सेफ बी हैप्पी, बाय बाय।